रीसेंट इवेंट्स को अगर हम देखें तो ड्रग्स के ऊपर जो लॉ है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिसेंटली जैसे हमने देखा कि आर्यन खान वॉज अरेस्टेड, देन बिफोर दिस सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हमने देखा कि ड्रग्स को लेके काफ़ी रेगुलेशन हो रहा था। एंड ऑल्सो वी आर कमिंग अक्रॉस न्यूज़ दैट अलॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स पुलिस चेकिंग कर रही है। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो वॉट द लॉ इज एज एन इंडियन सिटीजन। इस चैनल पे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के अलावा हम ऐसी न्यूज़ आपके लिए लाते रहते हैं जहां हम आपको लीगली अपडेट करते हैं विद ऑल योर राइट्स, हेल्पिंग यू नो व्हाट द लॉ इज, टेलिंग यू अबाउट द रीसेंट लीगल करंट अफेयर्स। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्ट, जो लॉ इस ड्रग अब्यूज़ एंड ये जो ड्रग्स के केसेस होते हैं उससे डील करता है, वो एक्ट हमको पता होना चाहिए। वो है NDPS एक्ट, दैट इज़ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। अब अगर हम इस एक्ट की बात करें तो क्या सब्सटेंसेज हैं जो नारकोटिक ड्रग्स कंसिडर करे जाते हैं। अगर हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन देखें वहाँ पर ये क्लियरली दिया हुआ है, कोका लीफ, कैनबिस, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ एंड कोई भी मैन्युफैक्चर ड्रग जो हैं उनको, जो वहाँ पर शेड्यूल में गिवन है लिस्ट में, उनको हम नारकोटिक ड्रग्स मानते हैं। इसके अलावा अगर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की बात करें तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं, कोई नेचुरल मटेरियल है या कोई सॉल्ट या प्रेपरेशन है जो वहाँ पर शेड्यूल में गिवन है अंडर द NDPS एक्ट। अब इस लॉ के अंदर क्या चीज़ ऑफेंस मानी गई है, ये लॉ कहता है कि नॉट जस्ट कंजम्पशन, पोजेशन, परचेज, सेल, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन ऑब्वियसली, ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग और एनी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये सब चीज़ें पनिशेबल हैं। एक्सेप्शन क्या है, क्या चीज़ पनिशेबल नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज वी नो कि ऐसी जो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंपनीज कुछ साइंटिफिक और मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करती हैं, वो चीज़ें उनका कंजम्पशन जो है या उनका सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट इस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। फर्दर NDPS एक्ट के अंदर क्वांटिटी पे भी वेरिएशन किया गया है बिकॉज क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी वेरी करती है। ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्मॉल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। इसमें कमर्शियल क्वांटिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड फर्दर कमर्शियल क्वांटिटी। इनकी बात करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि आपके पास ड्रग्स पाए गए हैं इन दैट क्वांटिटी विच इज़ लेसर देन व्हाट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। कमर्शियल क्वांटिटी इज़ अगर आपके पास ड्रग्स इस क्वांटिटी में पाए गए हैं जो ज़्यादा है दैन वॉट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी हमारी वेरी करती है ऑब्वियसली। जो स्मॉल क्वांटिटी के ड्रग्स हैं यानी लेस देन वॉट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, उन केसेस में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की जाती है अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड साथ साथ फाइन भी लग सकता है फॉर अप टू 10,000 रुपीज़, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर क्वांटिटी बिटवीन स्मॉल एंड कमर्शियल है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स तक जाता है एंड फाइन भी अप टू 1 लाख तक जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में इम्प्रिजनमेंट 10 to 20 ईयर्स यानी मिनिमम 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड फाइन होता है अप टू 2 लाख। नाउ अंडर द नॉर्मल लॉ व्हाट द प्रिजम्पशन इज, क्रिमिनल लॉ में हम बात करते हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट NDPS एक्ट कुछ और कहता है। NDPS एक्ट में अगर आप सेक्शन 35 देखेंगे, दैट सेज दैट यू आर प्रिज्यूम टू बी गिल्टी। आपके पास मोटिव पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है, मेंटल स्टेट जो है वो प्रिज्यूम कर ली जाती है इवन ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। अगर आपने कंज्यूम भी नहीं किया है, कोई सेल ट्रांसपोर्ट नहीं है, इवन इफ यू आर इन पोजेशन ऑफ ड्रग्स यू कैन बी, यू आर प्रिज्यूम टू बी गिल्टी, यू आर प्रिज्यूम टू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर द NDPS लॉ। सो दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट। पनिशमेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ स्पेसिफिक पनिशमेंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर किसी एरिया में, किसी प्रॉपर्टी में कुछ ड्रग्स को लेके कुछ क्राइम कमिट हो रहा है, ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो जो इंसान उस प्रॉपर्टी का ओनर है या ऑक्यूपायर है, ये जानता है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, ही विल बी पनिशेबल विद द सेम पनिशमेंट एज गिवन फॉर द ऑफेंस
पनिशमेंट माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्राइम दैट पर्सन हैज़ कमिटेड. देन कंजम्पशन के केसेस में इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर हो सकती है एंड फाइन हो सकता है ऑफ 10 to 20,000 या बोथ डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ड्रग्स दैट आर बींग यूज. फर्दर अगर कोई इंसान अटेम्प्ट करता है टू कमिट एन ऑफेंस, मान लीजिए अ पर्सन इज ट्राइंग टू कंज्यूम, बिकॉज कंजम्पशन इज एन ऑफेंस हियर, तो अगर कोई इंसान ड्रग्स कंज्यूम करने की भी कोशिश करता है इवन दो ही इज नॉट एबल टू कंज्यूम, कि पुलिस आ जाती है या कुछ और हो जाता है, इवन देन दैट पर्सन विल बी गिल्टी अंडर द NDPS एक्ट विद द सेम पनिशमेंट जैसे कि उसने ऑफेंस करने की कोशिश करी है. अब कुछ केसेस में इम्यूनिटी दी जा सकती है अंडर दिस एक्ट. व्हाट आर दिस केसेस? अगर जो अक्यूज्ड है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, वो वॉलंटियर करे कि दैट पर्सन विल इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन डी एडिक्शन. डी एडिक्शन सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज़ के केसेस में हो सकता है. ये एग्जेम्पशन, ये इम्यूनिटी सिर्फ उन केसेस में दी जा सकती है. देन फर्दर या तो पर्सन इज रेडी टू गिव फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द सर्कमस्टांसेस जिनके रिलेशन में ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ है. ऑफेंसेस जो NDPS एक्ट में आते हैं दे आर ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट्स. स्पेशल कोर्ट्स इन ऑफेंसेस को ट्राई करते हैं जहाँ पर जो पनिशमेंट है विच इज़ पनिशेबल फॉर मोर देन 1-3 ईयर्स. अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए पनिशेबल है, वो स्पेशल कोर्ट्स ट्राई करेंगे. फर्दर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनकी जो पावर होगी वो उसी तरह से होगी जैसे किसी मैजिस्ट्रेट की हो सकती है टू ट्राई अ केस अंडर सेक्शन 167. नाउ अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रिजम्पशन, यहाँ पर ऑफेंस प्रिजम्पशन रेज किया जाता है कि पोजेशन इज एन ऑफेंस, साथ साथ एक और स्ट्रिक्ट लॉ जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है NDPS एक्ट में वो ये कहता है कि NDPS एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस कमिट करे जाते हैं वो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल हैं. नॉन बेलेबल से मतलब आप जानते ही हैं कि आसानी से आपको बेल नहीं मिलेगी, बेल इज़ नॉट ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एज कम्पेयर टू नॉर्मल केसेस जहाँ पर कुछ जो ऑफेंसेस हैं हमारे IPC में जो बेलेबल ऑफेंसेस माने जाते हैं उन केसेस में बेल इज़ ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट. फर्दर ऑफेंसेस जो हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं. कॉग्निजेबल मतलब द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट एनी वारंट, दे कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द केस कि आपने कुछ क्राइम कमिट किया है. रिया चक्रवर्ती के केस में आपने देखा होगा यहाँ वहाँ पर ये बोला गया था इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, चाहे वो लार्ज है चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी है, बेल जो है वो ग्रांट नहीं करी जा सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट. तो बेल मिलना NDPS एक्ट में बहुत मुश्किल है, जो कि आपने आर्यन खान के केस में ऑलरेडी देख ही लिया कि कितनी मुश्किल से उनको बेल मिली है. देन मजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट कर सकता है ओनली ऑल दो इट इज़ नॉन बेलेबल, बट ऑब्वियसली नॉन बेलेबल में भी आपको दिखाना होता है कि क्यों आपको बेल मिली जाए. अब आर्यन खान के केस में लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल वॉज डिनाइड. 437 CRPC अलाउ करता है मजिस्ट्रेट को कि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे देखे कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि बेल दी जा सकती है या नहीं. अगर जो ऑफेंस ऐसा है वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है उन केसेस में बेल नहीं दी जा सकती है. यस, NDPS एक्ट में डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके केसेस में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है. देन पावर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट हमने देखा. इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेट आती है कि हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाए बेल की, तो सेक्शन 36B ऑफ द NDPS एक्ट स्पेशल जूरिसडिक्शन जो है वो कन्फर करता है ऑन द हाई कोर्ट टू ग्रांट बेल. हाई कोर्ट अपनी ये पावर एक्सरसाइज करता है अंडर 439 CRPC जो हमारे बेल के प्रोविजन से डील करते हैं. बट ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि ऑफेंस किस तरह का है, नॉन बेलेबल है कॉग्निजेबल है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर भी अप्लाई होती हैं. सो ये हमने देखा कि ये बेसिकली जो बेसिक हमारा लॉ है ड्रग्स को लेके इंडिया में NDPS एक्ट के अंदर लॉ क्या कहता है. एंड यू कैन सी इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, प्रिजम्पशन है कि आप गिल्टी हैं अगर आपके पास पोजेशन है, इवन कंजम्पशन पोजेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑल दीज थिंग्स आर पनिशेबल. सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ.
ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे, ताकि आपको पता लग सके व्हाट इज़ द लॉ इन द कंट्री, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू आर लिविंग ऑन. If you want to be aware, if you want to keep yourself updated with such videos, then do subscribe to this channel for more such content. Bell icon दबाइए and also Instagram पे हमें ज़रूर follow कीजिए, because हम वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए legal posts लेकर आते हैं जो आपको updated रखते हैं with the latest laws.